बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अ टीचर ऑफ मॉन्टेसरी एडवांस फ्रॉम ट्रेंड्स हाई स्कूल हसन अब्दाल। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 किया। पेज नंबर 8 हमने लेक्चर में उसको रीड किया था और पेज नंबर 9 आपको होमवर्क दिया गया था। यकीनन आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। आज के लेक्चर नंबर 3 में पेज नंबर 10, सिंगुलर एंड प्लूरल। हेडिंग है स्टूडेंट सिंगुलर। सिंगुलर मींस जस्ट वन। फॉर एग्जांपल वन बॉल। आपके सामने एक बॉल दी गई है। सिंगुलर का मतलब होता है सिर्फ एक। किसी एक चीज़ को सिंगुलर कहा जाता है, जैसे कि एक बॉल। प्लूरल। प्लूरल्स मीन मोर देन वन। फॉर एग्जांपल टू बॉल्स। आपके सामने टू बॉल्स दी गई हैं स्टूडेंट। किसी भी दो चीज़ को या इससे ज़्यादा चीज़ों को प्लूरल कहा जाता है। वी यूजली एड एस टू मेक अ वर्ड्स प्लूरल। प्लूरल के साथ एस लगाया जाता है। वी यूज ई एस विद द वर्ड्स एंडिंग विच एच, एस एंड एक्स। जिन वर्ड के आखिर में एच आए, एस आए या एक्स आए, उसके साथ ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। एस एच आई पी शिप। स्टूडेंट आप मेरे साथ रीड कीजिए, एस एच आई पी शिप। इसका प्लूरल होगा एस एच आई पी एस शिप्स। वेरी गुड। बहुत सारी शेप्स, दो तीन चार या इससे ज़्यादा। बी ओ एक्स बॉक्स, डब्बा, एक डब्बा। बी ओ एक्स ई एस बॉक्सेस, बहुत सारे डब्बे जिसमें दो तीन चार या इससे ज़्यादा जितने भी हों उसको हम कहेंगे बॉक्सेस। यहाँ पर स्टूडेंट ई एस रेड कलर का दिया गया है, आप अपनी बुक पर देखें साथ साथ। ई एस क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसके एंड में, जैसे कि ऊपर आपको बताया गया था कि एक्स जब वर्ड के एंड में आता है तो ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। बी आर यू एस एच ब्रश, एक ब्रश। बी आर यू एस एच ई एस, इसके साथ भी ई एस का इस्तेमाल होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ एच है। वेरी गुड। इसके साथ हम लगाएंगे ई एस, ब्रशेस। डी आर ई डबल एस ड्रेस, लिबास। डी आर ई डबल एस ई एस ड्रेसेस, बहुत सारे लिबास। इसके एंड में एस आया है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर ई एस का इस्तेमाल करेंगे। पेज नंबर 11 स्टूडेंट, एक्टिविटी चेंज इन टू प्लूरल, के हम वर्ड को प्लूरल में बदलेंगे। आपकी ये ब्लैंक्स खाली होंगी स्टूडेंट आपकी बुक में। ये जैसे मैं आपको बताऊंगी आपने इनको फिल करना है। एच एस एक्स जिस वर्ड के एंड में आएगा वहाँ हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे। आप मेरे साथ रीड कीजिए और राइट भी कीजिए। बी ओ वाई बॉय, गुड। बी ओ वाई बॉय, लड़का। बी ओ वाई एस बॉयज, लड़के। सी एच ए आई आर चेयर, सी एच ए आई आर चेयर। चेयर मीन कुर्सी। सी एच ए आई आर एस चेयर्स, इसके आगे जस्ट हम एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, चेयर्स। जी आई आर एल गर्ल, लड़की। जी आई आर एल एस गर्ल्स, लड़कियां। इसके आगे भी जस्ट एस लगाया जाएगा। बी यू एस बस,
BUS बस। बस का मीन भी बस ही होगा। BUSES बसेस, इसके आगे एस है लास्ट में स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर ES का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बन जाएगा, बसेस। BOX बॉक्स, बॉक्स मीन डब्बा। BOXES बॉक्सेस, क्योंकि इसके लास्ट में एक्स आया है तो ई एस का इस्तेमाल होगा। GLASS ग्लास, GLASSES ग्लासेस, वेरी गुड स्टूडेंट। BENCH बेंच, बेंच, BENCHES benches, क्योंकि इसके आखिर में H आया है वर्ड के एंड में तो ES का इस्तेमाल करेंगे, तो benches। WATCH watch, WATCH watch, watches, WATCHES watches, BRANCH branch, BRANCHES branches, शाखें, HORSE horse घोड़ा, HORSES horses, इसके एंड में स्टूडेंट एस ई आया है तो हम एस का इस्तेमाल करेंगे। TABLE टेबल मेज, TABLES टेबल्स, इसके आगे हम एस का इस्तेमाल करेंगे। CAKE केक, CAKE केक, CAKES cakes, वेरी गुड स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ पेज नंबर 10, लेक्चर नंबर 3 और पेज नंबर 11 आप अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और ये जो ब्लैंक्स आपको दी गई हैं ये आप फिल करेंगे। थैंक यू।